सब्सक्राइब कीजिए श्यामा टिप्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कैसे आप लोग शुरू कर सकते हैं इरेजर यानी कि रबड़ बनाने का बिजनेस, और इस बिजनेस को करके आप लोग कैसे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बिजनेस करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। बिजनेस के जरिए आप अच्छी खासी कमाई करने के साथ साथ लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। किसी भी बिजनेस को करने से पहले उस बिजनेस से जुड़ी सभी तरह की जानकारी होना बेहद जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को कामयाब बना सकें। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बिजनेस के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे करके आप लोग अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वो बिजनेस है इरेजर का बिजनेस। इरेजर का प्रयोग स्कूल में बच्चों द्वारा कॉफी में लिखावट मिटाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा कई ऑफिस में भी इरेजर का प्रयोग होता है। ये स्कूली बच्चों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली आवश्यक वस्तुओं में से एक है। इसकी मांग कभी कम नहीं होती है। इस उद्योग को कम पूंजी में लगाया जा सकता है। इसकी क्वालिटी अच्छी होने पर इसकी बिक्री से ज्यादा लाभ भी कमाया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे खुशबू वाली रबड़ मिटाने के लिए लेना ज्यादा पसंद करते हैं। जब तक पेंसिल से कागज पर लिखना जारी रहेगा तब तक इरेजर की मांग हमेशा बनी रहेगी। बच्चों के द्वारा पढ़ाई के लिए प्रयोग किए जाने के कारण इसके बिजनेस में घाटे की गुंजाइश ना के बराबर है। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इसी बिजनेस के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ कि इस बिजनेस के लिए हमें किन चीजों की और किन बातों का हमें ध्यान रखना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी इरेजर बनाने के लिए हमें कौन सा कच्चे माल की आवश्यकता होगी। पहला जो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी वो है रबड़। इरेजर बनाने के लिए दो तरह के रबड़ का प्रयोग किया जाता है, एक नेचुरल रबड़ और एक सिंथेटिक। दूसरी जो हमें चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है ऑर्गेनिक डाइस। तीसरी जो हमें चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है सल्फर, जिसे गंधक भी कहते हैं। और चौथी जो हमें चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो है वनस्पति तिल। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इरेजर बनाने की मशीन के बारे में। इरेजर बनाने के लिए स्वचालित मशीन का इस्तेमाल किया जाता है और ये मशीन आसानी से आपको मिल जाती है। आप इरेजर बनाने वाली मशीन को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इस मशीन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह की मशीन खरीद रहे हैं। मतलब अगर आप ज्यादा इरेजर बनाने की क्षमता रखने वाली मशीन लेते हैं तो ये आपको 10 लाख तक की पड़ेगी। वहीं अगर आप कम क्षमता वाली मशीन लेना चाहते हैं तो आपको ये 10 लाख से कम में मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इरेजर बनाने की प्रोसेस के बारे में। इरेजर बनाने से पहले आपको ये तय करना होगा कि आप प्राकृतिक रबड़ से इरेजर बनाना चाहते हैं या फिर सिंथेटिक रबड़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन दोनों प्रकार की रबड़ों में से किसी भी तरह का अंतर नहीं होता है, इसीलिए आप इनमें से किसी भी प्रकार के रबड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं एक बार ये तय करने के बाद कि आप किस रबड़ का प्रयोग करेंगे, आप उस प्रकार के रबड़ को खरीद लें। लेकिन सिंथेटिक रबड़ जब आप लेते हैं तो ये आपको पाउडर की तरह मिलती है। वहीं प्राकृतिक रबड़ पाउडर के रूप में आपको उपलब्ध नहीं होती है, इसीलिए आपको सबसे पहले प्राकृतिक रबड़ जो कि गांठों में आती है उसे पाउडर की तरह बनाना होता है। रबड़ के पाउडर में आपको इन सारी सामग्रियों को अच्छे से मिलाने के बाद मशीन की मदद से आपको इन सामग्रियों को पिघलाना होगा। ये मिश्रण पिघलने के बाद थोड़ा सा नरम और ठोस हो जाएगा, जिसके बाद आपको मशीन की मदद से इस मिश्रण को इरेजर का आकार देना होगा और आपकी इरेजर बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इरेजर बनाने के लिए हमें कितनी जगह की आवश्यकता होगी। इरेजर बनाने का लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आपको लगभग 6000 वर्ग फीट की जरूरत होगी। इसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 कर्मचारी की भी आवश्यकता होगी। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आपको इरेजर का प्राइस कितना रखना होगा। बाजार में मिलने वाली इरेजरों के दाम 1 रुपए से शुरू होते हैं, इसीलिए आप भी अपने इरेजर के दाम बाजार में मिलने वाली इरेजरों के दाम के आसपास ही रखें। हो सके तो शुरू में अपनी इरेजर के दाम बाजार में मिलने वाली इरेजरों के दाम से थोड़ा कम रखें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी इरेजर की ज्यादा बिक्री हो सकती है। वहीं एक बार जब आपका ये बिजनेस अच्छे से चलने लगे तो आप अपने इरेजर के दाम बढ़ा सकते हैं।
फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी इस बिजनेस के लिए आपको पंजीकरण और लाइसेंस कैसे लेना होगा। छोटे स्तर पर भी अगर आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं तब भी आपको अपने बिजनेस का नामांकन करवाना आवश्यक है। अपने बिजनेस का नामांकन करवाने से आपको कई तरह के सरकारी योजनाओं का फायदा मिलता है। कंपनी का नामांकन करवाने के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम है वो अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस हासिल करना होता है। कई ऐसे बिजनेस होते हैं जिनमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और मिटाने वाली रबड़ के बिजनेस में भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। आपको ये लाइसेंस अपने राज्य की लोकल अथॉरिटी से हासिल हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आप लोगों को कहां से लेनी होगी ट्रेनिंग। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आप इरेजर कैसे बनती है इसकी ट्रेनिंग ले लें और उसके बाद ही इस बिजनेस को शुरू करें। वहीं जब आप इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपको अपने कर्मचारियों को भी मशीन चलाने की ट्रेनिंग दिलवानी होगी ताकि वो बिना किसी दिक्कत से अपना कार्य सही तरह से कर सकें। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को बताऊंगी रबड़ के बिजनेस को शुरू करने की कुल लागत कितनी होती है। इस बिजनेस को शुरू करने में लगभग 13 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ऑटोमेटिक मशीन की कीमत 10 लाख रुपए होती है। जगह का किराया, कर्मचारियों का वेतन, बिजली, पानी, टेलीफोन, कच्चा माल आदि अन्य खर्चे सब मिलाकर 2 से 3 लाख रुपए आ जाएगा। इसके लिए आप सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए शुरू की गई सब्सिडी दर पर लोन की योजना से भी लाभ ले सकते हैं। अगर आपके पास इरेजर का व्यापार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप लोन का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप निजी या फिर किसी भी सरकारी बैंकों से लोन ले सकते हैं। अगर आप निजी बैंक से लोन लेते हैं तो वो आपको लोन जल्दी मिल जाता है, लेकिन निजी बैंकों की ऋण की ब्याज दरें काफी ज्यादा होती हैं। वहीं सरकारी बैंक से लोन लेने में काफी टाइम लग जाता है, लेकिन सरकारी बैंकों की ऋण की ब्याज दरें निजी बैंकों के मुकाबले काफी कम होती है। इसीलिए लोन लेने से पहले आप तय कर लें कि आपको किस बैंक से लोन लेना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन थी कैसे आप लोग रबड़ बनाने का बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन कैसी लगी प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।